नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम यहाँ पर भारत की वंशावली के तहत चंद्रवंश का जो वंशावली का जितना भाग आप इस पिछली फिल्म में देख चुके हैं, सुन चुके हैं, उससे आगे की वंशावली का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये चंद्रवंश की जो वंशावली है, इसमें अभी तक आप चंद्रमा की उत्पत्ति से लेकर के बुध और पुरुरवार तक की उत्पत्ति का कथा का प्रसंग सुन चुके हैं। अब हम उससे आगे पुरुरवा की वंशावली, यानी पुरुरवा से आगे जो वंश चला है, उसको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत सम्राट महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी और महाभारत के पराक्रमी योद्धा, परमवीर योद्धा अर्जुन का वंशज, अपने इस वंश की वंशावली का यहाँ ग्रंथों और शास्त्रों से आपके समक्ष वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये चंद्रवंश की वंशावली है जो अभी तक आप पुरुरवा की उत्पत्ति तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आप पुरुरवा से आगे ये वंशावली किस प्रकार से चली है, अब आप उसे सुने। तो वैशंपायन जी कहते हैं इस वंशावली को, वैशंपायन जी महाराजा जनमेजय सिंह तोमर को सुना रहे हैं, और ये महाराजा जनमेजय सिंह तोमर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन, उनके पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जनमेजय सिंह तोमर, उनको ये वंशावली वैशंपायन जी ने जिस प्रकार से सुनाई है, अब उसको आगे मैं ज्यों का त्यों यहाँ पर उच्चारण कर रहा हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज बुध के विद्वान पुत्र पुरुरवा हुए, जो तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता, बहुत सी दक्षिणा देने वाले, ब्रह्मवादी, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले और शत्रुओं में दुर्जय थे। वे राजा अग्निहोत्र और यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। राजा पुरुरवा सत्यभाषी और पवित्र विचारधारा वाले थे। उनका रूप बड़ा सुंदर था और वे गुप्त रूप से सहवास करने वाले थे। वे अपने समय में तीनों लोकों में अनुपम यशस्वी थे। तो ये जो क्षत्रियों के सारे लक्षण होते हैं, उनका यहाँ महाराज पुरुरवा के रूप में ग्रंथ में वर्णन आता है, जिसे आप सुन रहे हैं। उन ब्रह्मवादी, क्षमापरायण, धर्मज्ञ तथा सत्यभाषी राजा को यशस्विनी उर्वशी अप्सरा ने अपने गर्व का परित्याग करके पति रूप में वरण कर लिया था। हे भारत, राजा पुरुरवा उस अप्सरा के साथ 10 वर्ष तक रमणीय चैत्ररथ वन में, 5 वर्ष तक मंदाकिनी के तट पर बसी हुई अलकापुरी में, 5 वर्ष तक बद्री नारायण के वनों में, 6 वर्ष तक उत्तम उपवन नंदन वन में और 7 वर्ष तक मनोरथ रूप फल को देने वाले वृक्षों से परिपूर्ण उत्तर कुरुदेशों में,
8 वर्ष तक गंधमादन पर्वतों के शिखरों पर और 10 वर्षों तक मेरु पर्वत पर तथा 8 वर्ष तक उत्तराचल पर विहार करते रहे। राजा पुरुरवा उर्वशी को साथ में लेकर देवताओं से सेवित इन मुख्य मुख्य वनों में बड़े आनंद के साथ विहार किया करते थे। हे पृथ्वीपत पुरुरवा उर्वशी के साथ अप्सरा के साथ महर्षियों से प्रशंसित परम पवित्र देश प्रयाग में राज्य करते थे। राजा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से स्वर्ग में देव पुत्रों के तुल्य आयु बुद्धिमान अमावसु धर्मात्मा विश्वायु श्रुतायु दृढ़ायु वनायु और शतायु नाम के 7 पुत्र उत्पन्न हुए जो सभी महान आत्मबल से संपन्न थे। तब जन्मेजय ने पूछा, महाराजा जन्मेजय सिंह तोमर ने यहां पर प्रश्न पूछा है, बहुश्रुत वैशंपायन जी उर्वशी देवी तो अप्सरा थी, फिर देवताओं का परित्याग कर वह मनुष्य राजा के पास क्यों कर आई यह मुझे बताइए। तब वैशंपायन जी बोले, हे राजन, ब्रह्म शाप के कारण उर्वशी को मनुष्य लोक में आना पड़ा था। वह सुंदर अंगों वाली उर्वशी कुछ शर्तों के साथ इलानंदन पुरुरवा के पास रही थी। हे भूपाल, उसने अपने शाप से छूटने के लिए यह शर्त करा ली थी कि मैं आपको नंगा न देखूं, मेरे सकाम होने पर ही आप सहवास करें। मेरे पलंग के पास सदा दो भेड़ें बंधी रहेंगी और मैं दिन में एक बार थोड़ा सा घृत मात्र का भोजन करूंगी। राजन, जब तक इन प्रतिज्ञाओं का आप दृढ़ता के साथ पालन करते रहेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी, यह मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूं। राजा उसकी सब शर्तों का पालन करने लगे। इस प्रकार वह श्रेष्ठ अप्सरा महाराजा पुरुरवा के यहाँ रहने लगी। शाप के कारण उर्वशी को जब राजा में आसक्त होकर रहते हुए 59 वर्ष बीत गए, तब गंधर्वों को मनुष्यों के बीच बसने वाली उर्वशी की चिंता हुई। तो गंधर्वों ने कहा, महाभागो, वरांगना उर्वशी देवताओं में फिर किस प्रकार आए वे, इसका उपाय सोचो, क्योंकि वह तो स्वर्ग का भूषण है और वह एक मनुष्य महाराज में आसक्त हो गई है। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ विश्वावसु नामक गंधर्व ने कहा, उन दोनों ने पहले जो प्रतिज्ञाएं की थी उन्हें मैंने सुना है। राजा के प्रतिज्ञा भंग करने पर वह उसे छोड़ देगी। इस राजा की प्रतिज्ञा जिस प्रकार टूटेगी मैं उसे भी भली भांति जानता हूं। तुम्हारे काम को सिद्ध करने के लिए अपने सहायकों को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा। यों कहकर वह महायशस्वी गंधर्व प्रतिष्ठानपुर झूंसी प्रयाग में गए। वहां आकर उन्होंने रात में एक भेड़ चुरा ली। मनोहर हास वाली वह उर्वशी उन भेड़ों पर माता के समान स्नेह करती थी। यशस्विनी उर्वशी ने गंधर्वों के आगमन को सुनकर विचारा कि अब मेरे शाप के अंत होने का समय आ गया। तब उसने राजा से कहा, राजन, मेरे एक बच्चे को चोर चुरा ले गए। यह कहने पर भी वह विचार कर नंगा नहीं उठा कि यदि यह देवी मुझे नंगा देख लेगी तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। इतने में ही गंधर्व पुनः दूसरे भेड़ को भी उठा ले गए। दूसरे भेड़ के चुराए जाने पर देवी उर्वशी ने पुरुरवा से कहा, हे सामर्थ्यशाली राजन, अनाथ स्त्री के समान मेरे पुत्रों को छीन लिया गया। यों उर्वशी के कहने पर
राजा कुपित होकर नंगे ही उठकर भेड़ों के पैर के चिन्ह का अनुसरण करते हुए दौड़े। इसी समय गंधर्वों ने बड़ी भारी बिजली चमकाई। उस समय वह विशाल भवन एक साथ प्रकाशित हो गया। तब तो उर्वशी ने राजा को नंगा देख लिया। वह कामरूपिणी अप्सरा राजा को नंगा देखते ही अंतर ध्यान हो गई। उधर राजा भी गंधर्वों के छोड़े हुए भेड़ों को देख उन्हें साथ लेकर घर में घुसे। वहां उन्हें उर्वशी नहीं दिखाई दी। तब वे परम दुखित हो विलाप करने लगे। फिर वे उर्वशी को खोजते हुए पृथ्वी पर सर्वत्र घूमने लगे। कुछ समय के अनंतर उन महाबली नरेश ने उस शोभामयी अप्सरा को कुरुक्षेत्र के प्लक्ष तीर्थ की हेमवती नाम वाली पुष्करणी में स्नान कर अपनी पांच सखियों के साथ क्रीड़ा करते देखा। क्रीड़ा करती हुई उर्वशी को देखकर राजा दुखित होकर विलाप करने लगे। इधर उर्वशी ने भी उस राजा को समीप ही देखकर अपनी सखियों से राजा को दिखाया और कहा, ये वही पुरुषोत्तम हैं जिनके पास मैं पत्नी बनकर रही थी। उस समय वे सभी अप्सराएं उर्वशी के पुनर्गमन की आशंका से घबरा गईं। इधर राजा उससे फिर कहने लगे, प्रिये तू थोड़ा ठहर, ओ कठोर हृदय वाली, ठहर जा और अपने वचनों पर दृढ़ रह। इस प्रकार वैदिक सूक्तों को वे दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में कहने लगे। उस समय उर्वशी ने इलापुत्र पुरुर्वा से कहा, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा गर्भवती हूं। राजन, निसंदेह एक वर्ष पर मेरे गर्भ से आपके कुमार उत्पन्न होंगे तथा प्रतिवर्ष एक रात्रि आप मेरे साथ रह सकेंगे। तब वे महायशस्वी राजा प्रसन्न हो गए और अपने नगर में आ गए। वर्ष समाप्त होने पर उर्वशी उनके पास फिर आई। तब महायशस्वी पुरुर्वा उसके साथ एक रात्रि रहे। तदनंतर उर्वशी ने पुरुर्वा से कहा कि गंधर्व आपको वर देना चाहते हैं। महाराज, अब आप वर मांग लीजिए। आप इनसे इन महात्मा गंधर्वों की समता मांग लीजिए। तब पुरुर्वा ने बहुत अच्छा कहकर गंधर्वों से वर मांग लिया। तब गंधर्वों ने बहुत अच्छा ऐसा ही होगा कहकर एक थाली में अग्नि भरकर पुरुर्वा से कहा, हे राजन, इस अग्नि से यज्ञ करके तुम हमारे लोकों में आ जाओगे। तब वे राजा अग्नि और अपने पुत्रों को लेकर नगर की ओर चले। मार्ग में उन्होंने वन में अग्नि को रख दिया और अपने पुत्रों को लेकर घर में प्रवेश किया। फिर वन में जाने पर वहां उन्होंने अग्नि को नहीं देखा, किंतु उसकी जगह एक पीपल के वृक्ष को खड़ा देखा। तब वे राजा अग्नि को अपने गर्भ में छिपाने वाले शमी यानी जंड के वृक्ष से उत्पन्न हुए पीपल को देखकर विस्मय में पड़ गए और उन्होंने गंधर्वों से अग्नि के न दिखने का वृत्तांत कहा। गंधर्वों ने सब बात को सुनकर कहा, तुम पीपल की अरणी बना लो। और उन्होंने पीपल की अरणी बनाकर शास्त्रीय विधि के अनुसार उन अरणियों को मथकर अग्नि को उत्पन्न किया। फिर उस अग्नि के तीन विभाग किए। तदनंतर उस अग्नि से उन्होंने यजन किया था। वे उस त्रेताग्नि से अनेक प्रकार के यज्ञ कर गंधर्वों की समानता पाकर गंधर्वों के लोक में पहुंच गए। यहाँ हम आपको स्मरण दिलाना चाहेंगे कि हवन करते समय, यज्ञ करते समय, अग्निहोत्र करते समय पीपल की लकड़ी इसीलिए हवन कुंड में समिधा के रूप में प्रयोग की जाती है। ये तभी से महाराजा पुरुर्वा के वक्त से ये परंपरा शुरू हुई
जो कि आज तक कायम है। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों से वर पाकर त्रेताग्नि की रचना की। पहले अग्नि एक ही था, पुरुरवा ने उसको तीन बना दिया। हे नरश्रेष्ठ, हे नरेंद्र, राजा पुरुरवा ऐसे प्रतापी थे, उन महायशस्वी पृथ्वीपति ने गंगा के उत्तर तट पर बसे हुए महर्षियों से प्रशंसित परम पवित्र प्रतिष्ठान झूसी प्रयाग में राज्य किया था। ये यहाँ तक जो है पुरुरवा के कथा आई, उर्वशी की कथा आई और पुरुरवा के साथ पुत्रों के नाम आए। अब इसके उपरांत जो है पुरुरवा के जो सात पुत्र हुए उर्वशी के गर्भ से, उन सात पुत्रों की वंशावलियों का वर्णन अलग अलग आएगा, जिसे हम अपनी अगली फिल्म में इसका क्रमशः वर्णन करेंगे। तो जो पुरुरवा के सात पुत्र हैं उनके किस किस प्रकार से आगे वंश हुए और उन वंशों में कौन कौन कैसे उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन हम इस फिल्म के अगले भाग में करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आज हम यहाँ देवी के, भगवती के सहस्र नामों की उच्चारण करने जा रहे हैं और देवी सहस्र नाम की श्रृंखला में हम दसों महाविद्याओं के सहस्र नामों का उच्चारण प्रस्तुत करेंगे। तो शाक्त संप्रदाय में दस महाविद्याओं का विशिष्ट स्थान है। तंत्र साधना में जो इनके साधक हैं वे कुल साधक के रूप में जाने जाते हैं और इनके आराधन से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। जप और पाठ में, यद्यपि जप का महत्व अधिक बताया है, तथापि ललिता सहस्र नाम में एक जगह श्लोक आया है, मामर चेयतु वा मा वा विद्याम जपतु वान वा कीर्तये नाम साहस्त्रमिदं मत प्रीत्ये सदा। भगवती के सहस्र नाम का पाठ करने से माँ प्रसन्न होती हैं, जिससे साधक का कल्याण होता है। इसी कामना से मैं नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत के पराक्रमी योद्धा, परमवीर योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी, अपने स्वर में यहाँ पर इस सहस्र नाम, देवी सहस्र नाम का उच्चारण प्रारंभ कर रहा हूँ। तो इसमें सर्वप्रथम हम जो पहली महाविद्या हैं वो काली, श्री महाकाली, तो यहाँ काली सहस्र नाम का उच्चारण इस फिल्म में प्रस्तुत कर रहे हैं और अन्य महाविद्याओं का सहस्र नाम अन्य फिल्मों में प्रस्तुत किया जाएगा। तो सर्वप्रथम काली सहस्र नाम का यहाँ हम यहाँ उच्चारण प्रस्तुत कर रहे हैं, ओम महाकाल्यै नमः, क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं
दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं ॐ ॐ स्वाहा। सुंदरी उवाच, काली जी को सुंदरी ही कहा। सुंदरी उवाच, मम सिद्धि वरं देहि वरो अम्य प्रार्थ्यते मया तादृगुपायन्त कथय येन शक्तिर्भविष्यति। श्री काली उवाच, मम नाम सहस्रंच मया पूर्व विनिर्मितं मत्स्वरूपं काराख्य महासाम्राज्य नामकम्। मम नाम सहस्रंच माया पूर्व विनिर्मितं मत्स्वरूपं काराख्यं महासाम्राज्य नामकम्। वरदानाभिधन्न नाम क्षणार्धाद्वरदायकं तत्पठस्व महामाये तव शक्तिर्भविष्यति। ततः प्रवृत्त श्री विद्या तन्नाम पठ पाठत्परा तदेव नाम सहस्रं सुंदरी शक्तिदायकं। कथ्यते नाम सहस्रं सावधान मना शृणु सर्वसाम्राज्य मेधाज्ञ नाम सहस्रकस्य च। महाकाल ऋषि प्रोक्त है उष्णिक छंद प्रकीर्तितम् देवता काली काली मायां बीजं प्रकीर्तितम् हुम शक्ति कालिका बीजं कीलकं परिकीर्तितम्। ध्यानांच पूर्वत्कृत्वा साधये स्वेष्ट साधनम् कालिका वरदानादि स्वेष्टार्थे विनियोगत। ये सस्य नाम का विनियोग है यहाँ तक। नरेंद्र सिंह तोमर जी के नाम से है जी। आपकी शिकायत तो बंद है सर। ये बंद कैसे हो सकती है, ये तो तेरी लेवल तक गई है अभी जी। हाँ, और ये समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। 26/11 को रजिस्टर्ड हुई है सर। आपकी जो शिकायत है जी बिजली के बंद है, आप क्या चाहते हैं, शिकायत को दोबारा दर्ज कराना चाहते हैं क्या जी? नहीं, मेरी शिकायत अभी 3 लेवल तक गई है और ये शिकायत आज दिनांक तक दूर नहीं हुई है। 26/11 को रजिस्टर्ड हुई है, आज जनवरी 20 हो गई है और अभी तक एज इट इज पोजीशन है। इस वक्त तक बिजली नहीं है जी। क्षमा चाहेंगे सर, जो जानकारी थी हमारे पास आपकी शिकायत जो है वो बंद कर दी गई है अधिकारियों द्वारा। नहीं तो अभी तो लेवल 4 भी बाकी है ना, अभी तो आप इसको आगे बढ़ाइए ना सर। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे जब शिकायत बंद है आपकी? अरे जब लेवल 3 पे ही आप बंद कर देते हैं उससे आगे का लेवल सर हमारे द्वारा नहीं किया जाता है, अधिकारियों द्वारा बंद किया जाता है। आपकी जो शिकायत है वो लेवल 3 पर थी, आप जो जैसा कि बता रहे हैं। अब आप इसको लेवल 4 पर फॉरवर्ड कीजिए ना सर। ऐसा फॉरवर्ड नहीं होती है शिकायत जो है, नहीं होती है। तो कई बार, पहली बार नहीं कर रहा हूँ मैडम, 250-300 शिकायतें दर्ज करवा चुका हूँ आपके यहाँ जी सर। लेकिन जो है हम समझ पा रहे हैं लेवल वाइज लेवल ही जो है स्टेप लेवल 4 पर जाती है शिकायत, डायरेक्ट लेवल 4 अधिकारी के पास शिकायत नहीं जाती है। हाँ तो डायरेक्ट लेवल 4 पे आप फॉरवर्ड करते हैं हमारी नहीं, शिकायत को नहीं जाती है डायरेक्ट लेवल 4 पर शिकायत नहीं जाती है। अच्छा, इससे पहले की शिकायतों के नंबर बताऊं आपको, उसी में दर्ज है, इसी शिकायत में आप क्रमांक देख लें, इसी शिकायत में सारी जी सर क्रमांक होंगे। लेकिन वो भी जो है पहले लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 उसके बाद ही लेवल 4 पर गए होंगे। आप इसको लेवल 4 पे फॉरवर्ड कर दें, आगे बढ़ा। क्षमा चाहेंगे सर, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अरे क्योंकि आपकी शिकायत पहले से बंद है। जब मेरी शिकायत आज तक दूर नहीं हुई है, इस वक्त तक मुझे प्रॉब्लम है, तो कृपया आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से हमारी बात करवा दें। आप लेवल 3 पे ही क्लोज कर रहे हैं, ये क्या है? ये लोग रिश्वत देते हैं क्या बिजली विभाग वाले आपको कि आप लेवल 3 से आगे कंप्लेंट नहीं बढ़ाएंगे? और प्रॉब्लम अभी तक दूर नहीं हुई, इस वक्त तक बिजली नहीं है।
20 जनवरी हो रही है आज, 26/11 की शिकायत दर्ज है ये। आप वरिष्ठ अधिकारी से बात करवाइए मेरी। अन्यथा हम पीजी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हैं कंप्यूटर के जरिए। जी क्या बोल रहे हैं सर आप? अन्यथा फिर हम पीजी पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे कंप्लेंट को, उसमें लिखेंगे आप लेवल 3 से आगे बढ़ाने की, वो उसको वही नहीं कर रहे हैं सर। तो जो अनुमति हमारे पास ही अनुमति नहीं है, तो आप वरिष्ठ अधिकारी से बात करवा दीजिए ना मेरी। सर वरिष्ठ अधिकारियों से बात नहीं कर पाते हैं हम, हमारे द्वारा ही आपको जानकारी दी जा रही है सर। आप लेवल 3 से आगे इसको आप बढ़ा रहे हैं कंप्लेंट को या नहीं? सर नहीं बढ़ा पाएंगे, क्षमा चाहेंगे, ऐसी अनुमति नहीं होती हमारे पास। आपने इस कंप्लेंट को क्लोज करने की कितनी रिश्वत ली है आप ये बताएं? कितना भ्रष्टाचार किया? कुछ भी नहीं किया जाता है, निवेदन है। अरे हमने 150 कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई है, हर एक कंप्लेंट हमारी जो ऊपर के लेवल तक गई है। आप हमको पहली ऐसी मिली है वहाँ पर सीएम हेल्प प्लान, कब से आप नौकरी कर रही हैं वहाँ पर? लेवल 4 पे आप इसको बढ़ाइए इस कंप्लेंट को, वरना पीजी पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर रहा हूँ मैं, वो पूरी बात इसको वो दर्ज करूंगा और पीएम के भी पीजी पोर्टल पर रजिस्टर करूंगा इस बात को। आप इसको लेवल 4 पर बढ़ाइए इस कंप्लेंट को। ये क्लोज कैसे कर दी? मुझसे पूछा, मुझसे फीडबैक लिया क्या? मेरा यस नो कुछ मिला है आपको? आप कैसे क्लोज कर सकते हैं इसको विदाउट माइक? मेरी कंसेंट ली नहीं किसी प्रकार की, आवेदक की भी कोई सहमति या असहमति का कोई अर्थ होता है? आवेदक से कुछ पूछो नहीं, बस अपने मन से जो चाहो वो कर दो, ये ऐसा कहीं होता है? ये कंप्लेंट का रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये क्या है, नाटक बना के रखा है? आप हमारी वरिष्ठ अधिकारी से बात करवाइए अपने जो भी हो, या उनका मोबाइल नंबर दीजिए हमको।
सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ जी, बताइए क्या समस्या है? मेरी जो शिकायत है 2977527। शिकायत नंबर क्या है आपका? 2977527। सर थोड़ा धीरे बोलिए। 2977527। 527। 2977527। जानकारी के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नाम बताने के धन्यवाद सर। बताइए क्या समस्या हो रही है? ये मेरी शिकायत सर, शिकायत की जानकारी चाहते हैं आप। 28/11 को रजिस्टर्ड हुई है जी, और आज दिनांक तक निराकृत नहीं हुई है। निराकरण नहीं मिला है आपको सर? आपको जानकारी होगी कि आपकी शिकायत पर निराकरण प्राप्त हो चुका है, लेकिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं बताया ना।